फ्रेंड्स अभी हम इसी फैक्ट्री के एक और सब्जेक्ट में जा रहे हैं माइनस आईआर, क्योंकि हमने यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन की रेमेडी सालों पहले की थी तो हमने वापस रिकवर किया तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं मिल रही। अब हम आईआर जब डिजिटल स्कैनर में हमने आईआर चेक नहीं किया था उस टाइम पे मैनुअल स्कैनर पे, तो अभी इसकी जो ये फैसिलिटी है जो डिजिटल है उसमें ये क्या निकल के आता वो देखते। अभी हमें आईआर का वो कनेक्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन में। अब देखिए सर जी, ये जो ब्लैंक है ना यहाँ पे अगर रेड आ जाएगा तो समझना कि आपके वहाँ पे ये एनर्जी है अवेलेबल। ओके देखना भी सर जी, ये आईआर आपकी एनर्जी स्कैन हो रही है। देखो ये इतनी नेगेटिविटी यहाँ पे, ये देखो रेड हो गया। अभी बीप कर स्कैनिंग हो चुकी है, यहाँ पे आईआर की भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपके स्विच बोर्ड है वहां पे ये आईआर आ रही है और बिल्कुल मैं जो सेंटर में से लाइन एक आईआर जा रही है जो हम आपको एक रोड लगा के दोनों तरफ से कंट्रोल कर देंगे। अब ये जीओएस है, ये यानी ये कहते हैं भूत प्रीत की बाधा, क्योंकि हमारी इंटरेस्टेड जोन है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो तो ये भी यहाँ पे स्कैन होगा। देखिए यहाँ पे नो इफेक्ट लिख के आ रहा है, यानी ऐसी कोई भी यहाँ पे ऊर्जा नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो तो इधर देखो नो इफेक्ट, NOEFFECT, नो इफेक्ट। अब यहाँ पे आ रही है डेड एनर्जी यानी हाँ वो सब कुछ नेगेटिविटी, ये सब नेगेटिविटी का ही पार्ट है। अब इसको हम स्कैन कर रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी का जोन है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है, यहाँ पे भी नो इफेक्ट आ रही है, नेगेटिविटी भी नहीं है यहाँ पे। भले ये हम ऐसे जगह पे है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है पर हमारी पूजा भक्ति और आपकी ओरा से यह नेगेटिविटी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे जो साइंटिफिक दोष से आईआर है वो अवेलेबल है। अब ये है नज़र दोष, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ नहीं रुक सकती क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर जिसने तेरा आपने बोला कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप कहीं पर भी ऐसी बातें करेंगे तो आपको नज़र लगने वाली है, तो हम यही देखना चाहते हैं कि उसकी नेगेटिविटी है आपके बिजनेस के अंदर, ये नज़र दोष के लिए है। अगर ये जो पिलर है अगर रेड हो जाएगा तो समझ लेना कि नज़र दोष का थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए हमें आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए इसकी भी हमें एक रेमेडी मांगती है, यूं ही आपके यहाँ पे समस्या का भी थोड़ा प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा कि कोई ना कोई का आदमी नहीं टिक रहा, उसके पीछे भी कोई नज़र दोष का कारण है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमारा ये थोड़ा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है स्कैनर के माध्यम के द्वारा, बट हमको कुछ भी करके यहाँ से ऐसी वाइब्रेशन चेक करनी थी जो हमने इसके माध्यम से कर लिया है, तो अभी यहाँ की भी हमें कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र दोष का भी उपाय करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे एकदम क्लियरिटी हो जाए, बिजनेस अच्छा चले। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक बात ये निकल के आई है कि हमने यहाँ पे जो जियोपैथिक लाइन भी की हुई थी तो मेरा मन कह रहा है कि उस जियोपैथिक लाइन का भी जो यहाँ पे निवारण किया था तो क्या उसका कोई परसेंटेज मिल सकता है हमें। अभी हम ये एक फैक्ट्री के अंदर है, वही फैक्ट्री को आप रनिंग करके दिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है मुझे भी काम करने का इतना बहुत बड़ा जोश होता है कि क्लाइंट जो भी मेरा हो, 5 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, लेटेस्ट हो, जहाँ तक हो मेरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा, मेरे टूल्स के माध्यम के द्वारा या मेरी मेहनत के द्वारा, मेरी रेमेडी के द्वारा मैं उसको बेहतरीन देना चाहता हूँ। अगर उसको नहीं मिल रहा तो फिर खूब अब भगवान की मर्जी है, पर अभी हम यहाँ पे उसी का एक नमूना देख रहे हैं कि हमने जो जियोपैथिक लाइन की थी तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है अभी भी, तो यानी हम यहाँ की एक पॉजिटिविटी का एक ग्राफ ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री की क्या पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। फ्रेंड्स अगर ये 50 के आसपास आती है तो समझेंगे कि हमने जो इतना काम किया वो हमारा काम निष्फल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अभी आप देखना स्कैनर हमारा और यहाँ पे इनकी परसेंटेज भी आपके सामने ही निकल के आ रही है, कितनी परसेंटेज निकल के आ रही है। अब जैसे ही बीप बजेगा यानी हमारी स्कैनिंग कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने पहले भी जो काम किया था उसका 100% यहाँ पे मिल गया है, पर डायरेक्शन इन्होंने जो अस्त व्यस्त की है वो उनका सब्जेक्ट था, पर फैक्ट्री के अंदर यही होने वाला है। आज मेरी कोई भी व्यूअर्स को इंडस्ट्रीज देख रहा है या उसकी फैक्ट्री है तो वो वास्तु को समझे उसके नियम भी समझे कि हो सके तो एक बार कंसल्ट करा ले, क्योंकि क्या है कि जो फैक्ट्री के अंदर अस्त व्यस्त सामान पड़ा था ना वो बहुत बड़ी हानि देता है। फ्रेंड्स अब इसी फैक्ट्री के हम साइड में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, ओपन प्लॉट है,
बगल में ही है, वहां की क्या पोजीशन है और वहां पे ये पॉजिटिविटी जनरेट होती है कि नहीं होती, वो दिखाते हैं हम। चलिए दिलीप भाई, फ्रेंड्स देखो ये फैक्ट्री के हम बाहर आ गए, अब यहाँ से अब इनसाइड में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप गंकी देख रहे हैं, ये इनका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो कहते हैं ना कि एक कस्टमर और क्लाइंट के साथ और ये हमारे मेन पावर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये इनका ऊपर आप ओपन है और यहाँ पे हम अब पॉजिटिविटी देखेंगे। यहाँ पे हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, अब यहाँ की हम पूरी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अब ये आप देख रहे होंगे, तो अब हम इसको वापस बैक में जाएंगे ये कंसेप्ट में से। अब नेक्स्ट करेंगे वापस इधर का वास्तु चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ की पॉजिटिविटी ले रहे हैं। अब समझो कि यहाँ पे भी अगर इस स्थल पे अगर ये पॉजिटिविटी 100% दिखा रहे हैं, तो उधर हमने जो काम किया उसका मतलब क्या है। ये ओपन स्पेस में पूरी पॉजिटिविटी चेक कर रहे हैं। ये आपको एकदम प्रैक्टिकल और एकदम लाइव वीडियो दे रहा हूं कि इसी फैक्ट्री के बगल में, जस्ट बगल में ही, जहाँ पे कोई भी प्रकार की रेमेडी नहीं की और कितनी नेगेटिविटी है वो आप देख सकते हो। अभी ये 14% मात्र 14% की पॉजिटिविटी मिल रही है और वहाँ पे मिल रही थी 100%, और अभी मात्र इधर 14% की पॉजिटिविटी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस जगह की और इस जगह में कितना फर्क है। बेचनी है फैक्ट्री, बोलो, बोलिए, हाँ के ना। देखिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ से ये कमा रहे हैं। नहीं कमा रहा, तो मैं तो आपको बोला कमा रहा, ये प्रॉब्लम के एक आदमी नहीं टिकते और पैसे रहते नहीं, बस वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। आप जो आप सच्चे दिल से बोल रहे हो इसलिए आपकी बात हम सुन रहे हैं, बाकी आपको अपनी रेमेडी से तो संतोषकारक रिजल्ट मिला ही हुआ है कि नहीं मिला हुआ ना भाई। एक भी जो पॉजिटिव थे निकाल देते, कोई बात नहीं, चलो।